कराची चैम्बर के इलेक्शन कल होंगे या नहीं, कराची चैम्बर को कोर्ट ऑर्डर का इंतजार। अदालत ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। DGTO का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। वोटर लिस्ट बनाने के लिए DGTO निगरानी करे, अदालत के रिमार्क्स। सदर कराची चैम्बर के मुताबिक कल इलेक्शन होंगे या नहीं, फैसला अदालती ऑर्डर आने के बाद होगा। कहा, कराची चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से अफवाहें चल रही हैं, जब तक अदालत के ऑर्डर्स नहीं आते कोई बयान जारी नहीं कर सकते। DGTO के हुक्म के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। किताबों के लिए कागज 300% महंगा हो गया, बजट में इजाफा नहीं हुआ, किताबें महंगी होती गईं। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह बोले, गुज़श्ता कुछ बरसों से टेक्स्ट बुक बोर्ड के मसाइल हैं। 44 लाख दर्सी किताबों के सेट छपवाए गए, जिन इलाकों में दर्सी किताबों की सप्लाई कम हुई तो एक्शन लूंगा। MQM रहनुमा कुरतुलैन का सिंध में खेल के मैदानों की सहूलत ना होने का शिकवा, कहा अलमिया यह है कि महकमे का कोई सूबाई वजीर भी नहीं। MQM के साबर कायम खानी और ज़ियाल हसन अंजार में तल कलामी, आप तशरीफ रखें। डिप्टी स्पीकर की साबर कायम खानी को हिदायत, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। वज़ीर कानून ज़ियाल हसन अंजार का जवाब, कहा ऐसे बात ना करें, आप ऑपोजिशन लीडर नहीं हैं। नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन को जम करने के खिलाफ एहतजाज। नर्सिस और मिडवाइफरी एसोसिएशन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। अफशान असली ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पैरामेडिकल स्टाफ को जम करने से हमारी फंडिंग रुकेगी। पाकिस्तानी फार्मा सेक्टर से बड़ी खबर, पहली बार मेड इन पाकिस्तान अद्वियात की अमेरिका एक्सपोर्ट होगी। सिटी फार्मा कंपनी ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अहम कामयाबी की तफसीलात स्टॉक एक्सचेंज को अरसाल कर दी। पाकिस्तान से अद्वियात की पहली शिपमेंट के लिए 1,09,500 अमरीकी डॉलर की रकम मौसूल होगी। कंपनी को अद्वियात की एक्सपोर्ट से 30 लाख अमरीकी डॉलर सालाना आमदनी हासिल होगी। कंपनी ने अमेरिका को इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप, क्रीम, कैप्सूल्स एक्सपोर्ट किए। एक दो नहीं 5 अरब से जायद की मुबैना बेजाबतगियाँ, महकमा सनअत व तिजारत में अरबों की करप्शन का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिट रिपोर्ट पेश, रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम के तरक्याती काम नहीं हुए, सुई गैस की लाइनें नहीं डाली गई, प्लॉट की रकम जमा नहीं हुई। MD साइट ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के प्लॉट अलॉट किए थे। चेयरमैन PAC ने सेक्टर सेक्रेटरी सनत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। निसार खोडो के आइंदा इजलास में प्लाटों की तफसीलात पेश करने की हिदायत। खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है, शहर में जगह जगह कैमरे लगना शुरू। सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठा ली। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 43 पोल्स लगा दिए गए, 5 पोल्स पर लगे 25 कैमरे एक्टिव कर दिए। डीजी सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी की गाड़ियां भी आना शुरू हो गई। प्रोजेक्ट पर 30% काम मुकम्मल कर लिया गया। दावत उड़ाने गया शहरी लाखों से हाथ धो बैठा। कराची में डकैती की एक और बड़ी वारदात, 4 डाकू मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी से 28 लाख रुपए, मोबाइल फोन और सोने की चैन ले उड़े। उदई के मुताबिक पार्टनर की दावत पर पैसे देने डिफेंस जा रहा था, पुलिस ने वाकया मशकूक करार दे दिया। प्राइवेट स्कूल अपना किबला दुरुस्त कर लें, कोटे के मुताबिक बच्चों को फ्री दाखिला दें वरना सख्त कार्रवाई होगी। बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम के लिए फ्री शिफ्ट का निफाज। अमल दरामद न करने वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन मंसूख की जाएगी। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का तमाम निजी प्रिंसिपल्स को खत। बच्चों की तालीम किसी सूरत मुतासर नहीं होनी चाहिए, वज़ीर-ए-आला की ज़ेर सदारत बारिशों में तबाह स्कूलों की तामीर से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह बोले, जो स्कूल मुकम्मल तबाह हुए वो दोबारा तामीर कराएं। सूबाई वज़ीर तालीम की वज़ीर-ए-आला को बारिशों से मुतासर स्कूलों की इमारतों पर ब्रीफिंग।
डायरेक्टोरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन का अहम इकदाम, इंटर साल अव्वल के ऑनलाइन दाखिलों की तारीख में 27 सितंबर तक तौसी। रवासाल इंटर साल अव्वल में 1,62,960 तलबा ने दाखिले लिए, गुज़श्ता साल के मुकाबले में अब तक 56,122 इजाफी दाखिले हुए। निजी कॉलेजेस ने कहा कोशिश है कोई भी बच्चा दाखिले से महरूम ना रहे। नाअहली और बदनज़मी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन सिंध के 3 अफसरान को 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वालों में इलेक्शन कमिश्नर सिंध शरीफुल्ला शामिल, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध असर हुसैन और इलेक्शन ऑफिसर कराची खुदा बख्श भी ओहदे से फारिग। तीनों अफसरान अगले अहकाम तक कराची में रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह का इलेक्शन कमीशन को खत। अवैस कादिर शाह ने लिखा कि पार्लिमानी निजाम की सालियत आजादी बरकरार रखना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे। सिंध असेंबली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशस्तों का फैसला करे। अट्ठाईस सीनियर डीएसपीज को तरक्की देने का फैसला, 17 ग्रेड के डीएसपीज को 18वें ग्रेड में एसपीज के ओहदों पर तरक्की दी जाएगी। एडिशनल आईजी एस्टैब्लिशमेंट वन सलीम शाह की जानिब से खत अरसाल, अफसरान पर करप्शन समेत दीगर केसेस या इल्जामात की तहकीकात, डीजी एफआईए समेत दीगर इदारों से रिकॉर्ड तलब, कारकर्दगी रिपोर्ट मौसूल होने पर सिफारिश महकमे दाखिला को इरसाल की जाएगी। रेड लाइन के तरक्याती कामों से पानी की लाइनें मुतासिर, हसन स्क्वायर पर टूटने वाली लाइन की मरम्मत अब तक ना हो सकी। लाइन के मुतासिर होने से गुलशन इकबाल की सप्लाई मुतासिर, मजदूर काम करने पहुंची मगर वोटो कॉरपोरेशन ने पानी बंद ना किया। मजदूरों का कहना है कि पानी के अखराज की वजह से मरम्मत का काम मुमकिन नहीं। एफआईए की कार्रवाई, जाली दस्तावेजात पर सफर करने वाले अफगान मुसाफिर समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। एफआईए हुकाम के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक अफगानिस्तान और अचक से है। मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। टाउन चेयरमैन फरहान गनी का चनेसर गोट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, पेवर ब्लॉक से बटने वाली सड़क का भी मुआयना किया। सड़क के अतराफ कायम तजावजा को जल्द हटाने के अहकाम, जेर तामीर सड़क को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में गैस पानी और बिजली के मसाइल बरकरार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे तक पहुंच गया। 8 घंटों की गैस बंदिश का सिलसिला भी जारी। कोरंगी औरंगी टाउन खुदा की बस्ती मंगोपीर और ऑल सिटी एरिया भी मुतासर, होटलों से खाना मंगवाने से बजट भी आउट। बिजली जाती है तो पानी भी मुयासर नहीं आता, शहरी फट पड़े। मलीर जिना स्क्वायर के करीब डकैती मुजम्मत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी, मुतासर शहरी की शनाख्त 25 साल खालिद के नाम से हुई, जख्मी जिना अस्पताल में जेरे इलाज है। जराइम पेशा नासिक के खिलाफ घेरा मजीद तंग, कोरंगी कॉजवे पर रेंजर्स की एक और चौकी कायम, नई चौकी की तमीर का काम शुरू। नई रेंजर्स चौकी के कायम से वारदातों में भी कमी आएगी। कॉजवे पर रेंजर्स की 34 विंग अब्दुल्ला शाहकाजी की चौकी भी कायम है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर के विफाक से सूबे को मुंतकली का केस, अदालत ने सिंध हुकूमत, विफाकी हुकूमत और दिगर से जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जिना अस्पताल विफाक के सुपुर्द नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ, जिना अस्पताल को अदालती हुक्म के मुताबिक विफाक के सुपुर्द करने का हुक्म दिया जाए। इस तरह दरख्वास्त गुजार वकील पहले अदालत को मुतमईन करें फिर कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। दस्तावेज से कबल अदालत नोटिस जारी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस संधाई कोर्ट के रिमार्क्स, इसहाक डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तकरूरी के खिलाफ समाअत, अदालत ने मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी।
म्यूजिक टीचर्स की भर्तियों को कलदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने सिंध हुकूमत एमकेएम और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर फ्रीक्वेंसी से जवाब भी तलब। एमकेएम की दरख्वास्त पर ग्रेड 1 से 15 की भर्तियों को कलदम करार दिया गया था। सूबे भर में 100 से ज्यादा म्यूजिक टीचर्स की भर्तियाँ होनी थी। आठवीं स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में आज गर्ल्स बास्केटबॉल के मुकाबले जारी। स्कूलों की 11 टीमें मद मुकाबल। पहले मरहले में ओ लेवल की तालिबा के दरमियान मुकाबले होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला इतवार को होगा। लास्ट ईयर हमने जो 7 स्टूडेंट गेम ऑर्गेनाइज किए थे उसमें 100 स्कूल कॉलेज थे और यूनिवर्सिटी थी। ये हमारा सिलसिला फर्स्ट स्टूडेंट गेम से लेकर आज 8वें तक हम पहुँचे। ये हमारी काविश हैं और जितनी हमारी टीम मेंबर्स हैं इसको हम दिन ब दिन हमारी इंक्रीज हो रही है। फर्नीचर खरीदने की ख्वाहिश रखने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। ब्रांड्स के फर्नीचर पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। एक्सपो सेंटर में लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो जारी। नुमाइश में 100 से ज्यादा ब्रांड्स के मसनूआत पेश। बेडरूम ड्राइंग रूम किचन और ऑफिस के लिए फर्नीचर तवज्जो का मरकज। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। सफाई का आलमी दिन। साफ सुथरा माहौल यकीनी बनाना होगा। दिन मनाने का मकसद सफाई की अहमियत उजागर करना, आलूदगी से माहौल बचाने के लिए बेदारी पैदा करना। शहरी कहते हैं आबादी के साथ माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है। माहौल को साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है।